सुशील रिंकू विधायक बाहर आ गए हैं मीटिंग से। सर, मीटिंग हो गई है, क्या कुछ रहा अंदर, क्या फीडबैक रहा? देखो, मैं तो बड़ा मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि इतने सीनियर लीडर साहबान हैं जो हमारी पार्टी के, उन्होंने मेरे से सुजेशन पूछे हैं कि किस तरीके से, कौन से ऐसे आपके पास कुछ सुझाव हैं जिससे कांग्रेस है जो अच्छा प्रदर्शन है जो दोबारा विधानसभा में कर सके। सर, क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या कम्युनिकेशन में कमी है, क्या वजह क्या रही जो इस तरह की मीटिंग बुलानी पड़ी? नहीं देखो, ये तो एक मेरा ख्याल है कि जो एक रेगुलर जो प्रैक्टिस है ये तो वैसे होनी चाहिए, लीडरों जो जैसे हमारे जैसे जो नए लोग हैं उनको बुला के थोड़ी इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, कुछ हमें भी कुछ इधर से भी गाइडलाइंस आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों के साथ विचरना और कांग्रेस के लिए कैसे उनको बूस्ट अप करने के लिए काम करना, कुछ सलाह जो इनके द्वारा भी जो हमें मिलती रहनी चाहिए समय समय पर। सलाह है, गिले शिकवे हैं, शिकायत है, क्या कुछ रहा? देखो, किसी तरह का भी कोई गिला शिकवा नहीं है, ये सिस्टम है, कोई भी सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों के ऊपर विचार होता है और उनको दूर करने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं। सर, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल सब ने दलित सीएम या डिप्टी सीएम की बात की है, तो कांग्रेस कैसे देख रही है, मतलब ये जहन में है उनके? देखो, दलित हमेशा कांग्रेस के साथ है, काफ़ी समय से जो चल रहा है, और जो उनके इश्यूज हैं जो दलितों के जो कुछ सॉल्व नहीं हो सके, जहाँ जो भी अभी जो कुछ सॉल्व होने वाले हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द है जो ये सारे इशू जो है सॉल्व हो जाए। क्या इलेक्शन से पहले ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, इस मीटिंग जो चल रही है लगातार? बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो वेव है इस समय चल रही थी और उसी वजह से जो परिवार जैसे बड़ा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें पंजाब में तो खासकर होती रहती हैं। अलग अलग नाम दिए ना, कोई कह रहा है जी अंतरकलह हो गई है या आपसी संकट हो गया, ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई, ना किसी ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है, हमें तो सिर्फ सुझाव पूछे गए कि किस तरीके से आप कैसे, आपका IQ क्या है, सुझाव रहे आपके? मेरे तो कुछ दलित इश्यूज थे, उनके ऊपर मैंने बात की है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्क्लोज। आपको लग रहा है 8 महीने जो बचे हैं उसमें सारा जो चीज़ें पूरी हो जाएंगी? वो कोई ज़्यादा बड़े इशू नहीं है, पूरे होने वाले हैं, जरूर होंगे। सुशील रिंकू हमारे साथ थे, विधायक, जिन्हें आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि छोटे मोटे इशू हैं, उनके जो दलित मामले हैं उनको लेकर इशूज हैं, लेकिन उनको पूरी उम्मीद है कि मामले सुलझा लिए जाएंगे। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MHN प्राइम, दिल्ली।